नमस्कार, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से पोषण ट्रैकर ऐप में एक अपडेट आया हुआ था जिसके बारे में आप सभी को जानकारी दिया था, और उस अपडेट में एक ऑप्शन को ऐड किया गया था जो कि अगर किसी कारणवश किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप से उस लाभार्थी को हटा सकते हैं, चाहे वो गर्भवती महिला हो, चाहे वो स्तनपान कराने हो, कोई भी बच्चा हो। तो इसी के रिकॉर्डिंग एक आंगनवाड़ी सेविका का कमेंट आया हुआ है, जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि उन्होंने कमेंट किया है, हमने दो लाभार्थी को गलती से मृत्यु दिखा के सबमिट कर दिया है और वो लाभार्थी हमारे पोषण ट्रैकर ऐप से हट चुकी है, तो अब उसको कैसे ऐड किया जाए, इसी के बारे में उन्होंने कमेंट किया है। आज का वीडियो मैं आप सभी के लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो इनका प्रॉब्लम है वो आपके साथ कभी हो जाए तो आप लोग उसको कैसे उसमें ऐड करेंगे, और साथ ही साथ मैं आप सभी को पोषण ट्रैकर ऐप में एक लाभार्थी को जोड़ के और उसको डिलीट करके भी दिखाऊंगा कि देखते हैं कि उस लाभार्थी को ऐड करके वो ऐड हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पोषण ट्रैकर ऐप में और वहीं पे आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने अपना पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो गर्भवती महिला है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद गर्भवती महिला का लिस्ट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ कैसी गर्भवती महिला थी जिसकी रियल में मृत्यु हो गई है, हम उसी गर्भवती महिला का यहाँ पे डाटा इंट्री करेंगे, मतलब उस लाभार्थी को फिर से लाभार्थी जोड़े में क्लिक करके उसका सारा डिटेल्स भरेंगे, और भरने के बाद उस लाभार्थी को फिर से मृत्यु दिखाएंगे, और मृत्यु दिखाने के बाद उस लाभार्थी को ऐड करके देखेंगे कि वो ऐड हो रहा है कि नहीं। ये सिर्फ मैं आपको जानकारी बेसिस पे बता रहा हूँ कि अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाए तो आप लोग इसको कैसे ऐड कर सकते हैं और ये ऐड होगा कि नहीं होगा आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए यहाँ पे लाभार्थी जोड़े पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 6 लाभार्थी को हमने ऐड किया है और यहाँ पे 7वें लाभार्थी को यहाँ पे हम लोग ऐड करने जा रहे हैं। तो जो लाभार्थी का नाम है, पति का नाम है, आधार संख्या है, सारा कुछ डिटेल्स भर के उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने उस लाभार्थी का सारा डिटेल्स ऐड कर लिया है, जैसे कि लाभार्थी का नाम, पति का नाम, आधार संख्या, जन्म की तारीख और लाभार्थी का मोबाइल नंबर और वो कितने महीने से गर्भवती है, और जो भी सारा डिटेल्स है मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। और ऐड करने के बाद यहाँ पे अब इसको सबमिट करेंगे, तो जैसे ही हम लोग सबमिट करेंगे तो इस लाभार्थी का डाटा गर्भवती महिला में ऐड हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस लाभार्थी का डाटा ऐड हो चुका है। तो हमने जो लाभार्थी को ऐड किया है यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वो लाभार्थी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब चलिए इस लाभार्थी को हम लोग मृत्यु दिखा के इसको डिलीट करते हैं और फिर ऐड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट में जाएंगे, और प्रोफाइल अपडेट में जाके यहाँ पे जो लास्ट में एक ऑप्शन ऐड हुआ है, क्या लाभार्थी की मृत्यु हो गई है, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद देखेंगे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मांग रहा है क्या आप वाकई लाभार्थी को मृत घोषित करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन भी बता रहा है कि अगर आप गलती से सबमिट पे क्लिक भी कर देते हैं तो उसके बाद एक ऑप्शन दे रहा है कि क्या आप वाकई लाभार्थी को मृत घोषित करना चाहते हैं। अगर यहाँ से भी आपको इस लाभार्थी को मृत घोषित नहीं करना है तो आप लोग कैंसिल पर क्लिक करके आप लोग बैक हो सकते हैं, और आपको वाकई में इस लाभार्थी को डिलीट करना है तो आपको यहाँ पे ठीक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम लोग ठीक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं उसके बाद देखते हैं कि आगे इसमें क्या ऑप्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड सफलतापूर्वक अपडेट हुई, यानी कि ये लाभार्थी यहाँ से हटा है कि नहीं हटा है, चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ से जो लाभार्थी है पुतुल कुमारी वो यहाँ से हट चुकी है। अब इसके बाद हम लोग उस लाभार्थी का डाटा फिर से ऐड करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि उस लाभार्थी का डाटा हट चुका है। तो
तो चलिए हम लाभार्थी जोड़े पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद जो लाभार्थी को हमने डिलीट किया था उसी लाभार्थी का सारा डिटेल्स फिर से भरेंगे, एकदम सही से ही भरेंगे, और उसके बाद देख रहे हैं कि वो लाभार्थी इसमें ऐड हो रहा है कि नहीं। तो देखिए मैंने यहाँ पे उस लाभार्थी का सारा डिटेल्स सेम टू सेम पहले जैसे डाला था वैसे ही इसमें भी एंटर कर दिया हूँ, और उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे कि सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है। ये जो प्रोसेस हो रहा है वो लाइव प्रोसेस हो रहा है, मुझे भी नहीं पता है कि इसके बाद क्या ऑप्शन आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन शो हो रहा होगा, देखिए ऊपर में आधार नंबर पहले से ही लिया जा चुका है। तो आप लोगों ने ऊपर देखा कि बता रहा है कि आधार नंबर पहले से ही लिया जा चुका है, तो यानी कि अब उस आधार नंबर से हम लोग उस दोबारा गर्भवती महिला को रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर गलती से आपका कोई लाभार्थी डिलीट हो गया है तो उस आधार नंबर से हम लोग उस लाभार्थी को रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो लाभार्थी का आधार नंबर है वो आपके ऑफिस में जमा रहता है, तो इसीलिए आप उसको फिर से एंट्री करना चाहेंगे तो उस लाभार्थी को इसमें एंट्री नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप ये काम कर सकते हैं कि बिना आधार के आप इस लाभार्थी को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम बच्चों को ऐड करते हैं 0 से 6 मंथ के बिना आधार के, तो इसको जानकारी के तौर पे सिर्फ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए मैं यहाँ पे बिना आधार के इस गर्भवती महिला के वाले लिस्ट में हम इसको सबमिट कर देते हैं। हालांकि आधार नंबर ज़रूरी है इसको, चलिए हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस लाभार्थी का क्या होता है, ऐड हो रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो इसमें आधार नंबर ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि जो भी सारा रिकॉर्ड होता है आपके ऑफिस में ये सारे रिकॉर्ड को देखा जाता है। तो ये वीडियो मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया था, लोगों को ये अगर गलती से हो जाता है तो इसमें आप लोग एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो अगर पोषण ट्रैकर ऐप में अगर कोई इसका अपडेट आता है तो मैं आपके साथ एक वीडियो बना के ज़रूर शेयर करूंगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा और ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।